In this presentation, we will study how the Pakistani law treats the contract of mortgage. A mortgage is a security for the payment of debt or for the fulfillment of some obligation which may give rise to some pecuniary obligation. मोटगेज इज ए ट्रांसफर ऑफ सम इंटरेस्ट और राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू क्रेडिटर पाकिस्तानी लॉ मोटगेज को ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या के ट्रांसफर ऑफ राइट कहता है यानी जिसके जरिए आप क्रेडिटर को या के को कोई राइट right या के कोई इंटरेस्ट असाइन कर रहे होते हैं। मोर्गेज हैज फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज द मोर्गेजर मोर्गेजर इज अ पर्सन हु ट्रांसफर्स सम इंटरेस्ट आर राइट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू दी क्रेडिटर के अगर एक शख्स ने कोई चीज क्रेडिट पे ली है और उसने उसकी पेमेंट करनी है तो इस ओब्लिगेशन या के इस डेट के अगेंस्ट में डेटर अपनी कोई प्रॉपर्टी मोरगेज वो करवाता है तो गोया के वो एक राइट right या के इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में वो शिफ्ट कर रहा है Creditor ko mortgagee. Ko. The second party in the mortgage contract is the mortgagee. This is a person in whose favor interest in the movable property is transferred and shifted. Third component of मोर्गेज ट्रांजेक्शन इज दी मोर्गेज मनी मोर्गेज मनी से मुराद वो डेट है या वो क्लेम है वो ओब्लिगेशन है कि जिसके अगेंस्ट में आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर्गेज या के रहन रखवा रहे अगर एक शख्स ने किसी बैंक से कोई लोन लिया है कोई फैसिलिटी ली है कोई फाइनेंसिंग ली है और उसके अगेंस्ट में उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है तो इसका मतलब यह होगा कि आप उस ये लोन या कि वो फाइनेंसिंग फैसिलिटी वो है मॉर्गेज मनी क्योंकि उसके अगेंस्ट में आपने सिक्योरिटी दी है या कि उसके अगेंस्ट में आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी क्रेडिटर के पास यानी बैंक के पास आपने मॉर्गेज रखवाई है इसका जो चौथा कंपोनेंट है वो मोरगेज डीड है और वो इंस्ट्रूमेंट है इससे मुराद वो इंस्ट्रूमेंट है कि, कि जिसके जरिए आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या कि आप उसे रजिस्टर करते हैं तो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ये चार जो एलिमेंट्स हैं या कि ये जो चार अशिया हैं ये एक मोरगेज ट्रांजेक्शन के कॉम्पोनेंट्स हैं या कि उस ट्रांजेक्शन को वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं